हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ, तो देखिए काफ़ी प्लांट्स उन्होंने भी लगा रखे हैं अपने गार्डन में, तो प्लांटिंग का काफ़ी शौक़ है उनको भी। तो आप देख सकते हो कि ये हर श्रृंगार का प्लांट है, आप देखिए पारिजात का, और कितना सारा कली और इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। बर्ड्स और फ्लावर बहुत हैं, बट इसमें सीड्स भी बहुत हैं। ये देखिए उन्होंने हटाया नहीं है, लेकिन आप इनको भी ज़रूर हटा दें। अगर सीड्स रहेंगे प्लांट पर तो फिर प्लांट्स पर फ्लावर्स कम हो जाते हैं, थोड़े बर्ड्स कम हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट अपनी एनर्जी इन्हीं सीड्स को बनाने में लगाता है। तो इन सीड्स को आप भी ज़रूर हटा दें। ये देखिए इसका सीड्स है, इस तरह बड़ा सा होता है, तो ज़रूर हटा दें और अच्छे से इसको रिमूव कर दें सीड्स से। तो काफ़ी प्यारा प्लांट है, आप देख सकते हो बहुत बड़ा प्लांट है ये, और ये टब में लगा हुआ है। तो इस तरह से ये देखिए चांदनी का प्लांट है, और ये सदाबहार, और ये है यहाँ पर मधुमालती, नहीं मधुकामनी का, ये है मधुकामनी का प्लांट है फ्रेंड्स। ये बालसम, देखिए बालसम में भी इस टाइम बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, बिल्कुल रोज़ के जैसा ये देखिए प्लांट में फ्लावर आया हुआ है, बहुत प्यारा है बालसम, तो बहुत अच्छा प्लांट है, तो आप भी ज़रूर लगाइए बालसम, बहुत प्यारा है। और ये देखिए बेला, बेला भी काफ़ी, इन्होंने मम्मा ने मेरी काफ़ी बड़े बड़े पॉट दे रखे हैं, तो देख सकते हैं ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इनको ज़मीन के जैसा अगर मिलता है मिट्टी इतना अच्छा मिलती है ज़्यादा सी, तो ये इतने अच्छे से बिल्कुल जैसे ज़मीन पर रखते हैं ना उसी तरह ग्रो करते हैं। तो बेला भी काफ़ी हैवी ब्लूमिंग करता है, इस टाइम शाम में फ्लावर्स तोड़ लिए गए तो है नहीं अभी। और ये देखिए कनेर का प्लांट है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से बेला, और ये है गुड़हल, देखिए बर्ड्स कितने अच्छे से आई हुई हैं, फ्लावर ये कल खिल जाएगा, और काफ़ी शाइनी लीव्स भी हैं। और यहाँ फिर से ये सदाबहार का प्लांट, फ्रेंड्स इस प्लांट को भी आप लोग ज़रूर शामिल करिए अपनी बगिया में, बहुत अच्छा प्लांट है। और इन्हीं सब फ्लावर्स को दिखाते हुए, और ब्लूमिंग भी शाम का टाइम है इसलिए शाम के 6 बज रहे हैं, तो काफ़ी कम हो गई है इस टाइम। और ये देखिए गुलाब है, ये देसी गुलाब है, काफ़ी घना है ये भी लगा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए कनेर, और कनेर को भी येलो कनेर है ये, काफ़ी बड़ा ये देखिए बकेट दे रखा है मम्मा ने, तो ये भी काफ़ी हैवी ब्लूमिंग करता है और बहुत अच्छा। ये वाइट गुड़हल, हिबिस्कस वाइट कलर का, और देखिए काफ़ी इसमें भी कलियाँ आई हुई हैं, और येलो लीव्स इन्होंने रिमूव नहीं किया है, शायद मम्मा को अभी टाइम नहीं मिला है, फेस्टिवल में ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि हम प्लांट्स की देखभाल कर सके, पर बहुत तो इनके लिए भी टाइम निकालना ही पड़ता है। और यहाँ पर ये गंधराज, और ये देखिए यहाँ पर ये तुलसी जी लगी हुई है, ये श्यामा तुलसी है फ्रेंड्स, यहाँ इसमें ये शरीफे का प्लांट लगा हुआ है, अभी छोटा है काफ़ी। ये यहाँ पर मिर्ची गुड़हल, ये यहाँ पर मम्मा ने घुइयाँ लगाई हुई है, इसके लीव्स काफ़ी अच्छे से, घर में अगर आप इसको उगाते हो तो काफ़ी अच्छे लीव्स इसमें आते हैं, साफ एकदम, वो हम खा भी सकते हैं आराम से। और ये देखिए यहाँ मैरीगोल्ड, और ये है लकी बैम्बो, लकी बैम्बो का प्लांट है फ्रेंड्स, इसको लगाना बहुत अच्छा होता है, शुभ प्लांट होता है लकी बैम्बो, जैसे वाटर में लगता है वैसे इसको हम मिट्टी पर भी लगा सकते हैं। और फिर से श्यामा तुलसा, रामा तुलसा और श्यामा तुलसा है, ये रामा तुलसा, ये श्यामा, और ये मुझे ये आकड़ा का पेड़ है फ्रेंड्स, जो आकड़ा कहते हैं ना वाइट आकड़ा जो शिवजी पर चढ़ता है वो है, वो लगा हुआ है। ये एलोवेरा आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ग्रूमिंग, बहुत सारी ग्रोथ हो रही है एलोवेरा की। और ये देखिए ये अजवाइन का प्लांट है, तो ये हमारे हर्बल प्लांट्स हैं, लिखने भी हैं, ये देखिए कितने ऐसे, ये देखिए ये है मोर पंखी का प्लांट है, ये थूजा भी कहते हैं इसको, तो ये मोर पंखी का प्लांट है। पीछे तुलसी काफ़ी लगा रखी है और काफ़ी हैवी भी है तुलसी जी। ये देखिए अपराजिता, ये वाइट अपराजिता है, और ये है ब्लू वाली अपराजिता है, ये इसके फ्लावर्स किधर गए, काफ़ी फ्लावर्स दिख रहे थे फ्रेंड्स अभी। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये भी बहुत बड़ा प्लांट है ये देखिए, और ये भी इस तरह से बड़े प्लांटर में लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी, ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है, और काफ़ी बड़ी छत है तो उस पर बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, पर वो अकेले ही करती हैं, वो भी हेल्प नहीं रहती किसी की फ्रेंड्स, तो अकेले में थोड़ा सा तो
कभी कभी देखभाल नहीं हो पाती है प्लांट्स की, इसलिए इस टाइम थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि फेस्टिवल में टाइम नहीं मिला है उनको। और बाकी प्लांट तो आप देख ही रहे हो कितने अच्छे हैं काफ़ी, इसमें तो देखिए ना हर श्रृंगार में तो इतना अच्छा फ्लावरिंग हो रही है कि बस बहुत सारे फ्लावर्स, ये देखिए नीचे गिरे पड़े, ये देखिए। तो इन्हीं फ्लावर्स को दिखाते हुए इन्हीं प्लांट्स के साथ वीडियो को करती हूँ, वीडियो बंद करती हूँ और फिर से मिलते हैं अपने टेरिस गार्डन पर। तो ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।